हाई कोर्ट के लॉकडाउन आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और फ्रेंड्स, आज के हम वीडियो में स्पेशली डिस्कस करेंगे आपके भर्ती से रिलेटेड। और इसी बीच एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी निकल के आ रही है आपके भर्ती से रिलेटेड। सब कुछ बहुत ही सेपरेट तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप वीडियो को एक लाइक और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं उनको ज़रूर शेयर करिएगा। अब फ्रेंड्स, इसी बीच बहुत सारी खबरें आ रही थी, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति को देखकर, कोविड-19 को देखकर ही तो आपके डेट एक्सटेंड किए गए है ना। और कहीं ना कहीं इसका मेन रीजन फर्स्ट बैच वाले भी कैंडिडेट थे, क्योंकि उनकी ड्यूटी के कारण उनका एग्जाम पोस्टपोन हुआ, उनकी POP पोस्टपोन हुआ, इस वजह से भी ये भी कारण रहा। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये कमेंट्स आ रहा है कि क्या JTC डेट बढ़ेगी। और जैसे कि ई पेपर वाले भैया ने आज मॉर्निंग को एक आर्टिकल भी पब्लिश किया था, जिसमें ये कहा गया था कि मतलब डेट मेंशन नहीं कराया गया था और बोला गया था कि आगे बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम ये कहें कि जानकारी के अभाव में, वन मिनट, जैसे कि फ्रेंड्स ये आर्टिकल था और आपने ये आर्टिकल पब्लिश मतलब जब पब्लिश हुआ तब आपने देख लिया हुआ। इस पर हम ज़्यादा चर्चा, मेन मोटिव जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है उससे रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। तो सिंपली देखिए, थोड़ा जानकारी के अभाव में ये आर्टिकल पब्लिश कर दिया गया है। इसको लेकर आप परेशान मत होइए। इसमें कहा गया है कि जून के पहले या दूसरे सप्ताह में प्रशिक्षण शुरू हो सकता है। ये तो हालांकि ठीक ही है कि जून में आपका प्रशिक्षण यानी कि RTC आपका स्टार्ट है, बाकी आपका जो JTC मई में ही स्टार्ट है और जो प्रस्तावित डेट है उसी पर होगा। क्योंकि आपको सिंपली पता है कि कल आपने स्पीच भी सुना होगा, 20 मिनट का स्पीच लगभग, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये कह दिया गया है कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दिया है कि भैया आप ऐसा कैसे आदेश दे सकते हो, इससे जो भी परेशानियां है उससे और बढ़ेंगी। तो देखिए, जो भी इसको लेकर कैंडिडेट परेशान है, तो देखिए आपकी JTC डेट अब आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि 28 तारीख को एक अब कहा जाए ना तो ट्रेनिंग सेंटर सारी खाली हो जाएंगी। कोई भी ये नहीं होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का रीजन या फिर वगैरह वगैरह, यानी कि कोई भी बहाना नहीं होगा। जो भी 2013 वाले कैंडिडेट या फिर अदर्स कैंडिडेट अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं, सबका POP मई में समाप्त हो जाने वाला है। इसी बीच फ्रेंड्स डेट जारी कर दिया गया है फर्स्ट बैच कैंडिडेट से रिलेटेड। जो भी 14,000 अभ्यर्थी कैंडिडेट अभी ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनका एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम होने वाले थे, तो उसकी डेट 26 तारीख से स्टार्ट है, 26 अप्रैल से। जैसे कि पहले 15 अप्रैल से स्टार्ट था, लेकिन ड्यूटी की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया। तो अब डेट जो है आपको यहाँ सब कुछ बता दिया गया है और एग्जाम डेट प्रस्तावित कर दिया गया है, और 28 मई को ही पासिंग आउट परेड भी रखा गया है। इसमें नीचे जैसे ही आएंगे तो इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है उन कैंडिडेट से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड। आपका भी होगा, लेकिन अभी थोड़ी देरी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस कहने का मतलब यही है कि आप जो भी आर्टिकल पब्लिश हुआ उस पर ध्यान मत दीजिए, और कोविड-19 से अब आपके भर्ती पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लेकर आपसे बिल्कुल भी परेशान भी मत हुई। और जो भी सिविल एंड PSC से रिलेटेड मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया था, ठीक है, और हमने कहा था कि अक्टूबर में आपके मेडिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लेकर आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। और आपके भर्तियों पर आचार संहिता लागू नहीं होता है और न ही अब लॉकडाउन की कोई भी ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो मई तक एक भी ट्रेनिंग सेंटर ऐसा नहीं होगा जो खाली ना हो, है ना। तो बहुत ही अच्छे साइन आ रहे हैं, और आपकी मई में ही जो भी डेट प्रस्तावित रखी गई है उसी डेट पर आपकी जो भी प्रक्रिया होगी वो कराई जाएगी। 31 मई से आपकी JTC स्टार्ट है, ठीक है, और डेट पे ही आपकी पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी। तो फ्रेंड्स, बस आप सभी बिल्कुल भी परेशान मत होइए इसको लेकर, और कोविड-19 का ना ही कोई बहाना रहेगा, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का कोई झंझट रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, और ये नोटिस मेन मोटिव वही था कि आपको ये बता दिया जाए कि डेट जो है पारित कर दिया गया है फर्स्ट बैच कैंडिडेट्स,
अब इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगा और आपकी जो प्रक्रिया है वो तो चल ही रही है और कोई भी आगे अपडेट आता है तो आपको दी जाएगी इससे रिलेटेड। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके भर्ती से रिलेटेड छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक।